नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं यूपी एक्सप्रेस न्यूज चैनल। तो स्वागत है आपका हमारे यूपी एक्सप्रेस न्यूज चैनल पे। दर्शको, आज आइए मैं आप लोगों को पुनः यूपी के बुंदेलखंड जनपद बांदा के अंतर्गत आने वाला मिनी स्वास्थ्य केंद्र कालिंजर लेके चलता हूँ और वहाँ की क्या गुणवत्ता है, इलाज की क्या व्यवस्था है, वहाँ पे मरीजों की सुविधा के लिए क्या सुविधाएं हैं, क्या असुविधाएं हैं, तो मैं वहाँ पे आपको लेके चलता हूँ। तो दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं, ये आपका ये जो किला दिख रहा है, ये आपका कालिंजर दुर्ग है। यही कालिंजर दुर्ग है जिसके ऊपर भगवान भोलेनाथ नीलकंठ महाराज विराजे हैं, जिससे इसको नीलकंठ धाम कालिंजर भी कहा जा सकता है और कहा जाता है। और इसकी भौगोलिक स्थिति देखिए आप, कालिंजर दुर्ग के ठीक नीचे ये आप लोग देख रहे हैं नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कालिंजर है। और इस साइड में आप लोग देख रहे हैं, ये राजकीय इंटर कॉलेज कालिंजर है। ये राजकीय इंटर कॉलेज कालिंजर, इसी के ठीक बगल में ये आपका नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कालिंजर, और बगल में सचिवालय भी है। और कालिंजर दुर्ग आप लोग देख रहे हैं, कालिंजर दुर्ग के ठीक नीचे ये आपका नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कालिंजर। तो दर्शकों, आइए मैं आपको लेके चलता हूँ और स्वास्थ्य चिकित्सा के हिसाब से यहाँ पे क्या व्यवस्था है, यहाँ पे डॉक्टरों की क्या व्यवस्था है, इलाज की क्या व्यवस्था है, दवाओं की क्या व्यवस्था है, उसी क्रम पे मैं आप लोगों को यहाँ के बारे में दिखाने की, जानकारी देने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो ये है दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कालिंजर। और कालिंजर दुर्ग के ठीक नीचे, कालिंजर दुर्ग आप लोग देख रहे हैं, चारों तरफ ये पहाड़ियां हैं, यही आपका कालिंजर दुर्ग है जो नीलकंठ धाम कालिंजर के नाम से जाना जाता है। और इसकी भौगोलिक स्थिति यह है कि आप लोग देख रहे हैं कालिंजर दुर्ग के ठीक नीचे, कालिंजर कस्बे से एकदम एकांत पे जो है यहाँ पे आपका नया स्वास्थ्य केंद्र, उसी पे आप लोगों को लेके चलता हूँ और यहाँ की क्या गुणवत्ता है वो दिखाते हैं और यहाँ के डॉक्टरों से मिलते हैं। तो ये आप लोग देख रहे हैं नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कालिंजर। तो आप लोग इस वक्त नया स्वास्थ्य केंद्र कालिंजर, जो तरहटी कालिंजर में नीलकंठ धाम कालिंजर के ठीक नीचे स्थित है, और आप लोगों को देखना, आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, ये एक कक्ष है, दवा वितरण कक्ष। दवा वितरण कक्ष में यहाँ की क्या पोजिशन है यहाँ पे देखते हैं और मिलते हैं यहाँ पे क्या पोजिशन है। जी भैया, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम नीतू है। अच्छा, आप यहाँ पे क्या है? नर्सिंग एडमिटर। अच्छा, तो ये जो मेडिसिन वगैरह है तो मरीजों को सप्लाई आप ही करते हैं? अच्छा, बांटते आपने, आदेश किसका होता है? अच्छा अच्छा, तो आप थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को इन दवाओं के बारे में, दवाएं किन मरीजों को दी जाती है, कैसे देते हैं, आपको अपना अनुभव शेयर करेंगे? सर, ये लिखनो है, जैसे बुखार उखार है, पैरासिटामोल है। जी जी जी, पैरासिटामोल है, जैसे बुखार उखार है, ये सब जी इसी में। तो दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं ये वही दवा कक्ष है जहाँ पे दवाओं का वितरण किया जाता है। और ये बगल में आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे साइड में भी, ये यहाँ पे व्यवस्था है मरीजों की और इस साइड में देख रहे हैं, ये यहाँ पे मरीज है, ये यहाँ पे बोतल चढ़ी हुई है। और दर्शकों, जहाँ तक आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था तो ठीक नजर आ रही है, बढ़िया साफ सफाई भी दिख रही है और मरीजों का ट्रीटमेंट। तो जी, क्या नाम है आपका? रोहित चौधरी। जी, क्या है आप यहाँ पे? बाड़वा में है। बाड़वा है आप? तो ये जो मरीज है इनका ट्रीटमेंट हो रहा है? हाँ, इधर बोतल चढ़ाई है इनके, बोतल वोतल चेंज करनी है। जी जी, तो दर्शकों आप लोग देख रहे हैं, और मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे चारों तरफ साफ सफाई की व्यवस्था तो ठीक है, बढ़िया है साफ सफाई। और ये एक रूम ये हो गया मरीजों के लिए, एक दूसरा रूम ये है यहाँ पे, ये भी अभी फिलहाल यहाँ पे मरीज नहीं है तो ये खाली है, लेकिन आपका ध्यान मैं साफ सफाई की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। ये बेडशीट है, बेडशीट भी ठीक है पोजिशन है, ये डस्टबिन है, साफ सफाई तो यहाँ पे फिलहाल बढ़िया नजर आ रही है। तो ये आपका नया स्वास्थ्य केंद्र कालिंजर, और इस साइड में भी आप लोग देखेंगे ये बाथरूम शौचालय वगैरह है। तो आइए यहाँ पे भी थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ बाथरूम है, शौचालय है, पानी की व्यवस्था के बारे में जानते हैं, मिलते हैं आप यहाँ पे।
ये आपका नया स्वास्थ्य केंद्र कालीगंज है, जहाँ पे मैं आप लोगों को अपने यूपीएफएल चैनल के माध्यम से लेके आया हूँ। और इधर भी आप लोग देख रहे हैं, ये भी कैसे यहाँ पे शायद ड्रेसिंग रूम है, यहाँ पे पट्टियां वगैरह है। और इधर भी आप लोग देख रहे हैं, और आइए यहाँ पे जो डॉक्टर साहब है, देखिए चिकित्सा अधिकारी कक्ष यहाँ पे मिलते हैं और बात करते हैं। जी सर, आप अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम डॉक्टर विनोद राज। जी सर, आप इंचार्ज हैं यहाँ पे। जी जी, तो सर जैसे आपका ये नया स्वास्थ्य केंद्र है कालिंजर, और आज संडे है, तो सर संडे के दिन केंद्र खुलने का रीजन क्या है? ये मुख्यमंत्री आरोग्य मेला सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है हर इतवार के दिन। जी इतवार को जी जी जो है पार्टी लगता है, मरीज आते भी हैं। जी जी हाँ, तो आरोग्य मेला के नाम से जाना जाता है। तो 10 को आप लोग सुन रहे हैं, आप नया स्वास्थ्य केंद्र कालिंजर के जो यहाँ पे डॉक्टर साहब है श्री विनोद कुमार राजपूत जी, और आज संडे का दिन है, तो उनका कहना है कि संडे के दिन जो आरोग्य मेला के नाम से जो हॉस्पिटल वगैरह खुलते हैं, उसी क्रम पे हम लोगों ने भी अपना ये हॉस्पिटल यहाँ पे खोल के रखा है, और संडे के दिन भी मरीजों का पूरी तरह से ट्रीटमेंट होता है। तो सर यहाँ पे आपको क्या लगता है कि आपके इस नए स्वास्थ्य केंद्र में कुछ मेडिसिन की कमियां या पूर्ण रूप से है, या यहाँ पे बेड की कोई कमी, पानी की कोई समस्या है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, एक तो दीवार गिर गई है। जी जानवर आ जाते हैं, बाउंड्री बाउंडेशन और नल में थोड़ी जो टंकी में पानी की आवश्यकता है हल्की थोड़ी। जी जी, और तो सब बढ़िया है। तो 10 को आप लोग सुन रहे हैं, नया स्वास्थ्य केंद्र कालिंजर के जो यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं श्री विनोद कुमार राजपूत जी, उनका कहना है कि यहाँ पे जो स्वास्थ्य केंद्र के आगे जो बाउंड्री है वो बाउंड्री गिर चुकी है, इसलिए यहाँ पे बाउंडेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, और यहाँ पे पानी की जो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए वो समुचित व्यवस्था यहाँ पे नहीं। तो अभी आप लोगों ने देखा है ये नया स्वास्थ्य केंद्र कालिंजर, आज रविवार है, रविवार के बावजूद भी यहाँ पे जो मुख्यमंत्री जी के आदेश के तहत पे जो रविवार को स्वास्थ्य केंद्र खोलने का जो प्रावधान है, किस नाम से किया गया था सर? मुख्यमंत्री आरोग्य मेला। जी मुख्यमंत्री आरोग्य मेला के आदेशानुसार आज संडे के दिन भी कालिंजर में नया स्वास्थ्य केंद्र का संचालन चल रहा है। यहाँ पे जो वार्ड बॉय है, यहाँ पे जो डॉक्टर है, वो सारे उपलब्ध है, और यहाँ पे अभी मैंने आप लोगों को दिखाया साफ सफाई भी पर्याप्त है, लेकिन डॉक्टर साहब श्री विनोद कुमार राजपूत जी का कहना है कि यहाँ पे समुचित बाउंड्री की व्यवस्था नहीं है, जो कि वो गिर चुकी है, और यहाँ पे समुचित पानी की व्यवस्था नहीं है, जो बेहद जरूरी है मरीजों के लिए, साफ सफाई की दृष्टिकोण से मरीजों के लिए पानी की एक बेहद विशेष यहाँ पे आवश्यकता है। तो 10 को मैंने आप लोगों को अपने यूपी एक्सप्रेस न्यूज चैनल के माध्यम से कालिंजर नया स्वास्थ्य कालिंजर में लाकर यहाँ के बारे में, यहाँ की साफ सफाई के बारे में, यहाँ के रख रखाव के बारे में आप लोगों को दिखाने की कोशिश की। यहाँ के डॉक्टर श्री विनोद कुमार राजपूत जी का ये कहना है कि यहाँ पे दवाओं की कोई कमी नहीं है, सारी व्यवस्था है, यहाँ पे पानी की अव्यवस्था है, और जो बाउंड्री है बाहर एक बाउंड्री होनी चाहिए, वो जो पुरानी थी वो गिर चुकी, उसमें नया निर्माण होना चाहिए। तो यूपी एक्सप्रेस न्यूज चैनल के साथ मैं ठाकुर राजेश सिंह तोमर, धन्यवाद।